मीजापुर भोपालपट्टनम भोपालपट्टनम एसडीओ नीतीश रावते एवं भोपालपट्टनम सहायक परिक्षेत्र अधिकारी दिनेश ठाकुर वन विभाग के कर्मचारियों वन सुरक्षा समिति के सहयोग से छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर तरलागुड़ा वनोपज जांच नाका के पास स्कॉर्पियो एवं जस्ट कार से सागौन की कड़ी स्लीपर को तेलंगाना ले जाते समय गाड़ी सहित तेलंगाना राज्य की दो तस्करों को दर दबोचने में सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि मेतलाचेरू गांव के मिच्छाबंडी भद्राकाली गांव के पिरोला याकूब से तेलंगाना राज्य भूपालपल्ली जिला गोरलावेडू गांव के रापा का प्रशांत जोकी अक्सर सागौन लकड़ी का तस्करी का काम करता है। वे अपने सहयोगी सुरेश और वेंकटेश के द्वारा मेतलाचेरू के मिच्छाबंडी एवं पिरोला याकूब से सागौन के 48 नग कड़ी सीपक को प्रति नग 500 रुपए के हिसाब से खरीदी कर स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक एपी 11 मीटर जस्ट कार वाहन क्रमांक टीएस 25B3414 में लोड कर तेलंगाना ले जा रहे थे। तारलागुड़ा के वनोपज जांच नाका में लगभग रात को 2 बजे तस्करों के साथ गाड़ियों को दर दबोचा गया। पकड़े गए तस्करों से जानकारी लेने पर बताया गया है कि रापा का प्रशांत छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती इलाके से सागौन चिरान का तस्करी अवैध रूप से करते रहता है और दो तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। प्रशांत अक्सर सागौन चिरान को औने पौने दाम पर खरीद कर तेलंगाना राज्य में मोटी रकम में बेचता है। प्रशांत नित नए नए योजनाओं के तहत बहुमूल्य सागौन चिरान को सीमा पार करने में माहिर है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में बेशकीमती सागौन लकड़ी को पार कराने में कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे योजनाओं के तहत कार्य कर रहा है। तस्करों से पूछने पर बताया है कि मेतलाचेरू जंगलों में और 39 नग सागौन चिरान है। सूचना मिलते ही वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छिपा रखा 39 नग कड़ी को जब्त कर भोपालपट्टनम डिपो लाया गया और मेजरमेंट किया गया। कुल टोटल 79 नग कड़ी चिरान 2.590 है जिसका की अनुमानित लागत लगभग 2,15,000 बताया गया और आरोपियों से पूछताछ किया जा रहा है। अब देखना होगा कि वन विभाग के द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही किया जाएगा। इस दरमियान शैलेंद्र लेटी कमलेश आदे चलपति गोटे शैलेंद्र लंबाडी चौकीदार सॉरी बाबू टिंगे मौजूद थे।